गांधी जी, श्री विजय शर्मा जी, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री दिनेश गांधी जी, श्री राजेंद्र पाल जी, श्री भरत वर्मा जी, श्री हिरेंद्र साहू जी, श्री चंद्रीमा सक्सेना जी, श्रीमती सरिता ढिमर जी, श्री पवन जैन जी, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, श्री जयपाल सिंह जी, श्री आत्माराम जी, श्री राजेश सिंधी जी, श्री सुंदर साहू जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्रों, आज डोंगरगांव में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हमारे संतोष जी को जिताने के लिए मैं यहां आया हूं। जब यहां आया हूं तो सबसे पहले डोंगरगढ़ में विराजी हुई बम्बलेश्वरी माता के चरणों में प्रणाम करकर मैं मेरी बात का शुरुआत करना चाहता हूं। ये हमारा राजनांदगांव ये प्रदेश की संस्कारधानी है, लोक कलाओं लोक संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यही राजनांदगांव से हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा लिखना शुरू करी थी। बीमारू छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की शुरुआत की थी। एशिया में सबसे पहला संगीत और कला का विश्वविद्यालय यहीं राजनांदगांव में बनाया गया और हॉकी की नर्सरी के रूप में भी हमारा ये राजनांदगांव जाना जाता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले कुछ ही दिन पहले भाजपा के विधायक श्री भीमा मंडावी को नक्सलवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मैं भीमा मंडावी जी की आत्मा की शांति को लिए प्रभु से प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मित्रों, अभी मैंने देखा भीमा मंडावी के हत्या की जितनी जितनी डिटेल बाहर आती जाती है उसका जैसे जैसे अभ्यास करते हैं ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती, इसके अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है मित्रों। भीमा मंडावी की पत्नी ने भी मांग की है कि इनकी हत्या की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए और मैं आज इस सभा के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो भीमा मंडावी की हत्या की जांच सीबीआई को देकर एक न्यूट्रल जांच करा दीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मित्रों, जिनको कुछ छुपाना नहीं होता है वो सीबीआई से क्यों डरेंगे? इन्होंने आने के साथ ही सीबीआई पर यहां प्रतिबंध लगा दिया। 10 साल तक हमारी सरकार थी और आपकी केंद्र में सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, उनको कभी सीबीआई को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि रमन सिंह का दामन पाक साफ था, भ्रष्टाचार नहीं करना था, सीबीआई को रोकना नहीं पड़ा था। आपके आते ही पहले ही सप्ताह में आपने सीबीआई को रोक दिया, ये बताता है कि आपके मन में क्या पड़ा है। मित्रों, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने आने के बाद दिया है। मित्रों, आज जब मैं यहां डोंगरगांव के अंदर आया हूं, पूरे देश में घूमता 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 यहां आया हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक पूरे देश में मैं जहां गया एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी। इसी तरह के नारे मोदी मोदी के देश भर के अंदर लगते हैं जो बताते हैं देश की जनता ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता तय बैठी।
और मित्रों इसलिए तय बैठी है कि दो खेमे पड़ चुके हैं, एक और 55 महीने के अंदर 55 साल से भी ज्यादा विकास करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कराने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी। मित्रों 10 साल मिले थे उनको, सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल मिले थे, 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर आज वो दावा करते हैं कि हम देश का विकास करेंगे। राहुल बाबा कोई कम समय नहीं दिया देश ने आपको, 55 साल दिए हैं, 55 साल, 55 साल तक आपने देश का विकास नहीं किया, 4 पीढ़ी तक इस देश पर शासन किया मगर देश का विकास आप नहीं कर पाए और अब नारे दे रहे हो। विकास किसको कहते हैं मित्रों? सिर्फ 5 साल मोदी जी ने शासन किया, 5 साल, 5 साल के अंदर इन्होंने 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, 2.35 करोड़ परिवारों के घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का कोई भी खर्चा हो जाए 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए, मुफ्त में कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आप कहते हो कि हम विकास करेंगे, विकास के नारों से विकास नहीं होता राहुल बाबा, गरीबों के लिए मन में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है तब जाकर विकास होता है। हमारे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, इस राज्य के करोड़ों वनवासियों के पैर में चरण पादुका देने का काम रमन सिंह जी ने किया था क्योंकि उनको मालूम था कि धूम धकती धूप में इसके पैर की हालत क्या होगी। ये जब तब होता है जब आपके मन में विकास के लिए, आपके मन में गरीब के लिए दर्द हो। मित्रों विकास की बात कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, सुरक्षा की बात मैं करना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश के पर कश्मीर की सरहद से आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, आतंकवादी प्रवृत्ति करते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपमानित करते थे, कोई जवाब दिया नहीं जाता। अभी अभी पुलवामा पर हमला हुआ और पुलवामा पर हमले में 40 जवान शहीद हो गए, 40 जवान शहीद, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जवानों की शहीदगी के 13वीं के दिन मोदी जी ने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया और हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बम गिराकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के टुकड़े टुकड़े कर वापिस आ गई। मित्रों और ये सुरक्षा की बात जब आई तब देश भर में आनंद फैल गया, मिठाइयां बंटने लगी, देश भर के अंदर शहीदों के चेहरे तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाई गई, मिठाइयां बटकी, फटाके जले, दो जगह पे मातम छा गया, दो जगह पे, एक पाकिस्तान के अंदर मातम छाया और दूसरा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में राहुल बाबा के वहां मातम छा गया कि ये क्या हो गया। मित्रों मुझे बताओ
अपने 40 जवानों को अगर मौत के घाट उतारते हैं तो उन पर बम गिराने चाहिए या नहीं गिराने चाहिए? जरा जोर से बोलो, गिराने चाहिए या नहीं गिराने चाहिए? ये राहुल बाबा के गुरु सैम पित्रोड़ा कहते हैं इनके साथ बातचीत करो, बातचीत करो। अरे सैम पित्रोड़ा, एक कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से इलू इलू कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। हम तो वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश की सुरक्षा वोट बैंक से बड़ी नहीं हो सकती। आपके लिए वोट बैंक का मामला है, हमारे लिए देश की सुरक्षा का मामला है, और भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को कभी प्रायोरिटी नहीं दे सकती। अभी अभी कश्मीर में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समाधान हुआ है। अभी उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। भैया, एक देश में दो प्रधानमंत्री कभी हो सकते हैं क्या? बताओ, इस और के युवा बताए, हो सकते हैं क्या? होने चाहिए क्या? मित्रों, ये कश्मीर को देश से अलग करना चाहते हैं और राहुल बाबा भी चुप बैठे, एक शब्द नहीं बोलते। मैंने आज कई बार पूछा कि बताइए आप उमर अब्दुल्ला के बयान से सहमत है या नहीं है, मगर वो नहीं बोलते हैं। मगर मैं यहां से राहुल बाबा को बता देना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं होने देगा। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। मित्रों, यहां पर रमन सिंह की सरकार चलती थी, 42 लाख परिवारों को एक रुपये किलो चावल देने का काम रमन सिंह जी ने किया। और मित्रों, नमक पुई, अमृत नमक मुफ्त में बांटने का काम रमन सिंह जी ने किया। 56 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिया, स्मार्ट कार्ड के द्वारा 50,000 तक का इलाज मुफ्त करा दिया, 2 लाख शिक्षा कर्मी को शासकीय शिक्षक बना दिया, पक्की सड़क सिर्फ 13,000 किलोमीटर थी, बढ़कर 56,000 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बनाने का काम रमन सिंह सरकार ने किया। नया रायपुर पूरी दुनिया देख रही है, इस प्रकार का विश्व स्तरीय शहर बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया। स्काई योजना में लगभग 29 लाख लोगों को फोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने उस वक्त किया था। कृषि का बजट 10 गुना कर 1800 करोड़ रुपया किया। 5 साल में शिक्षा में लड़कियों का अनुपात 35% बढ़ाने का काम किया। शिशु मृत्यु दर 40% नीचे ले आए। पिछले 10 वर्ष में माता मृत्यु दर भी 42% नीचे ले आए रमन सिंह जी ने। ये छत्तीसगढ़ जो बीमारू राज्य था, उसको विकसित राज्य बनाने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया। रमन सिंह 15 साल के अंदर देश भर के विकसित राज्यों की सूची में ऊपर से 4th नंबर पर छत्तीसगढ़ को लाने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया। और प्रधानमंत्री जी ने भी 40,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी दिया, 1.7 लाख नए घर बनाने के लिए गरीबों को कहा, 40,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए दिए, 12,000 करोड़ रुपया रेलवे नेटवर्क के दिया, भारतमाला परियोजना के तहत और 950 किलोमीटर की सड़कें बनाने का काम किया। और अभी आ गए, आते ही सीबीआई से डरकर सबसे पहला काम सीबीआई पर प्रतिबंध लगाने का कर दिया, जिसे कोई डर के बगैर लूट खसोट कर पाए। अब सयाही भय कोतवाल तो डर काहे का भैया, उनकी ही पुलिस उनकी चौकीदारी करेगी, उनको डर नहीं है। रमन सिंह को सीबीआई का डर नहीं था। मैं भूपेश बघेल को पूछना चाहता हूं, आपको सीबीआई से डर क्यों लग रहा है? इसका जवाब मेरे राजनंदगांव की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भैया?
देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, दिवालिया होने के कगार पर 4 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ को लाने का काम कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता का वादा दिया था, ये युवा बैठे हैं, भैया आपके पास बेरोजगारी भत्ता आया है क्या? बताओ जरा, आया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके वादे का क्या गया? ये सीमेंट के दाम क्यों बढ़े हैं? देश भर में सीमेंट के दाम नीचे गए हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर सीमेंट का दाम ऊपर गया है, क्योंकि भूपेश बघेल टैक्स ऊपर लग गया है। ये जो फिरौती का काम शुरू हुआ है, इसके कारण सीमेंट महंगा हुआ है। रेत की खदानों का ठेका पंचायतों से आपने छीन लिया, कानून और व्यवस्था को तार तार कर दिया, और ट्रांसफर इंडस्ट्री जो रमन सिंह जी ने बंद कर दी थी, तब आप लोग में भ्रष्टाचार बंद किया था, आज दिन दहाड़े ट्रांसफर इंडस्ट्री रायपुर के अंदर धम 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 चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। आयुष्मान भारत योजना आपने बंद करा दी, आपने आपके गणतंत्र के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन आपके कार्यालय में जो कार्यक्रम हुआ, इसके दिन आपने राष्ट्र ध्वज की जगह कांग्रेस का ध्वज फरका दिया, और आपके मंत्री मोहम्मद अकबर ने राष्ट्र ध्वज को सलामी न देकर राष्ट्र ध्वज का अपमान किया, मगर फिर भी आज आपकी कैबिनेट में बने हुए। मित्रों मुझे बताइए, भूपेश बघेल की कैबिनेट के मंत्री राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं, ये कभी चला लेना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, चला लेना चाहिए क्या? मगर भूपेश बघेल को तो वोट चाहिए, अपनी वोट बैंक चाहिए, राष्ट्र ध्वज के अपमान से उनकी कोई लेन देन नहीं। और मित्रों, नक्सलवादियों के साथ भी इन्होंने आगे चलकर राजनीति करने का फैसला किया है। जिस नक्सलवाद को हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के बाहर छोड़कर आए थे, वो नक्सलवाद माओवाद फिर से सर उठाने लगा है, और देश भर में ये सारी बातों का एक संदेश गया है। 3 महीने के अंदर ही राजस्थान, मध्य प्रदेश।